कैसी बातें कर रहे हो यार टीटू भैया, मिलते थोड़ी ना प्रपोज कर दूंगा। स्पेशल मोमेंट है, थोड़ा बिल्डअप भी तो होना चाहिए। अबे इसलिए ना तो आज तक वर्जिन है, सारे सीधे मुद्दे पे आ। सामने वाली पार्टी को साफ साफ पता होना चाहिए कि हमारी इस मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है। अब आप बताइए। अरे यार बताना क्या है इसमें, हम एक दूसरे को ढंग से जानते भी नहीं है यार, इसीलिए तो कह रही हूँ। देख तू एक महीने में 2 साल के लिए यूएस जा रही है राइट, और तू इस बंदे को ढंग से जानती भी नहीं, फिर भी तू उसके साथ डेट पे निकल पड़ी। वो भी ऐसा बंदा जो तुझे एवी पबजी खेलते खेलते मिल गया। तो जाती उसे बता देना था कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली यार, और तू आज उसे ऐसे ही मिलने आ गए। अबे ऐसे ही नहीं मिले तुम दोनों, पक्का ना कोई कॉस्मिक कनेक्शन है तुम दोनों का। भगवान ने ना तेरे लिए भेजा उस बंदी को। सच में? पर हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। रियल लाइफ में ना भाई, पबजी पे तो तू उसके साथ घंटों घंटों तक रहता है, सब जानता है तू उसके बारे में। अबे निक्की सोच, जो बंदी पबजी पे लोगों को कूट देती है फ्राइंग पैन से, जब वही बंदी तेरे लिए उसी फ्राइंग पैन से तो अंडे बनाएगी तो कितना अच्छा लगेगा भाई। मैं कहता हूँ चिपक जा। सॉरी बहन, मैं बता रही हूँ वो चिपक जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ, इसीलिए कह रही हूँ वहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना, एक आध कॉफी पी के निकल जाना यार। कॉफी या? या क्या? Not that coffee. अरे देख मैं अब आई हूँ यार, तो थोड़ी देर तो रुकूंगी ना, और ऐसे रूड लगेगा कटाना। ना कट चुका है ना भाई लाइफ में, अब आज नहीं। भाई मैं समझ रहा हूँ, पर पहली डेट पे इतना कुछ कहीं ऑकवर्ड ना हो जाए यार। होने दे भाई ऑकवर्ड, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा भी ऑकवर्ड हो लो। देख भाई सीधी सी बात है, ये बंदी मिली तुझे पबजी के थ्रू गलती से, रियल लाइफ में तो ऐसे बात तक ना करे। कुछ नहीं करूंगी मेरी माँ, तू प्लीज टेंशन मत ले, एक लड़के को ना हैंडल कर सकती हूँ मैं, एंड आई एम श्योर वो इतना बेवकूफ नहीं है कि कुछ स्टुपिड ट्राई करेगा। US 2 साल आगे पढ़ने के लिए, 1 महीने में यार, और कितना पढ़ोगी तुम? ऑलरेडी बीटेक तो हो ना? नहीं मेरा मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत तुम्हें जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आई सपोर्ट दैट, पर पहले तुमने बताया नहीं कभी। पहले कभी तुमने पूछा नहीं? हाँ उसमें मेरी गलती होगी यार। शिल्पा तो तुम्हारे लिए वो सैनहॉक में गोलियां बरसाते हुए पल, और एंगल में किए हुए वादे, और साथ में ड्रॉप्स लूटने की यादें कोई मायने नहीं रखती। आज के लिए शॉर्ट प्रेस करी थी, बाल भी कटवाए थे, ऊपर से नहाया। See, I'm really sorry, अगर तुम्हें कुछ गलत हिंट मिला हुआ, मुझे क्या पता कि तुम ये सब लेकर आओगे। I can pay for this, कितना खर्चा है तुम्हारा बोलो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी सोसाइटी में बच्चे खेलते रहते हैं, उनको दे दूंगा खेल लेंगे। एक्चुअली आई थिंक मैंने ही ज्यादा सपने बुन लिए आज के लिए, तुमने तो आते क्लियर क्लियर बता दिया कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मीटिंग को लेकर। तुम्हारी बिल्ली है ना, क्या नाम था उसका? पचिंकी। हाँ अरे यार बड़ी क्यूट है, फोटो दिखाओ ना उसका। 17 घंटे से लापता है, यहां से निकलने के बाद इसी के मिसिंग पैम्फलेट छपा के अपनी कॉलोनी में बांटने जाऊंगा। हाय मैम। हाय। हाय सर, मे आई गेट यू समथिंग? Yes, please. I'm very hungry. दीजिए, मैं ना एक क्लब सैंडविच खाऊंगी और एक कोल्ड कॉफी। तुम? पानी, भूख मर गई है मेरी। Some mineral or regular? Regular ही ला दीजिए।
टाइटेनियम बॉक्साइट लाइमस्टोन और बाकी जितने भी मिनरल्स है ना मैं खुद डाल लूंगा। हाँ फ्रेंड या उसे पता है कि तुम यहाँ हो। मेरी भी फ्रेंड ने जस्ट कॉल किया। आई टोल्ड हर अबाउट यू एंड हाउ वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। याद है हम जब स्कूल में मिले थे फर्स्ट टाइम एरेंगल के स्कूल में। या थैंक्स टू ऑटो मैच। वैसे तुमने बड़ी गद्दारी करी थी उस मैच में मेरे से। मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट किया और जब मैं नॉकआउट हुआ तो रिवाइव करने के लिए पहले तुम बाकी दो के पास गई। आई मीन आई लिटरली डाइड फॉर यू शिल्पा। अरे तो अभी थोड़ा हार्ड टू गेट प्ले करना पड़ता है ना। फिर उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा ना मैंने तो फिर वैसे कंप्लेन तो मुझे है तुमसे। जब भी हमें चिकन डिनर मिला है तुम कभी भी मुझे लास्ट शॉट नहीं लेने दिया यार। पता है उसमें एक अलग सी फीलिंग है यार धोनी टाइप सिक्स मार के जिताने की। आज ले तो लिया तुमने लास्ट शॉट, कैसी फीलिंग आ रही है? क्यों इतने सैड हो रहे हो यार? पहली बार किसी बंदी से ना सुना है? हाँ ना पहली बार सुना वरना इससे पहले तो गेट आउट यू क्रीप अपनी शक्ल देखे आईने में आई हैव अ बॉयफ्रेंड यही सब सुना था। पर आज पहली बार किसी ने इतनी इज्जत देके ना बोला एंड आई डोंट नो व्हाई आज मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है यार तो तुम बैठ के बुरा मानते रहो मैं वो ब्लैक जैकेट के साथ बैठ जाती हूँ। एनीवे बहुत देर से चेकआउट कर रहा है। उठो। अरे उठो निखिल मैं बस ऐसे ही तुम मेरी सीट पे आके बैठ जाओ। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। काम डाउन यार आजकल ना ब्रो कोड का तो कोई जमाना नहीं है। अच्छा काम डाउन ना यार आओ ना शिल्पा। अरे आर यू सीरियस? अरे आओ ना प्लीज। साला चेकआउट करेगा मेरी बंदी को अब कर बंदी शर्माना चाहिए मुझे। आई मीन फ्रेंड वो भी कुछ ही देर के लिए। यार मेरी ना फर्स्ट और लास्ट डेट है तुम्हारे साथ और मैं इसको खराब नहीं होने देना चाहता। ये डेट नहीं है यार वी आर जस्ट कैजुअली मीटिंग ईच अदर। मतलब ठीक है तुम्हें जो कहना कह लो पर मैं तो इसे डेट ही कहूंगा और एक इंस्टा स्टोरी भी डालूंगा तुम्हारे साथ। वो क्या है ना सोसाइटी के बच्चों को बता के आया हूं कि मैं डेट पे जा रहा हूं। ठीक है डेट है ऑफ कोर्स है। मैंने ऐसी इतनी मेहनत करके इस कैफे को ढूंढा है। पता है यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? यहाँ की सस्ती कॉफी। सस्ती तो नहीं है पर इतनी कुछ अच्छी भी नहीं है। बट बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट कैफे इन द सिटी सुभाष चंद्र बोस से लेकर सुभाष घई तक हर कोई एक ना एक बार यहाँ पे कॉफी पीने जरूर आया। वेरी इंप्रेसिव इट इज। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे मम्मी पापा ने एकदम प्यार से इजाजत दे दी यूएस जाने की? मेरे माँ बाप तो यहाँ मुझे गोवा नहीं जाने देते। नहीं यार थोड़ा सुनाया लेकिन मैं तो पहली नहीं हूँ ना अपने फैमिली में जो बाहर पढ़ने जा रही है। भैया तो सिडनी में सेटल्ड है और दीदी तो कब से सिंगापुर में। राइट राइट तुम्हारे घर में ना बच्चों की परवरिश बड़ी अलग हुई है तभी तो तीनों बच्चे देश से बाहर। और यहाँ देख लो मेरी माँ तो मुझे घाट को पर के बाहर नहीं जाने देती। प्लीज यार तुम्हारी मम्मी ना बहुत क्यूट है। कैसे गेम के बीच बीच में एक एक निवाला तोड़ तोड़ के पराठे खिलाते रहती है तुम्हें। सो स्वीट। ओह लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उनकी। मोटा करना चाहती है मुझे ताकि वक्त आने पर उनकी फेवरेट लड़की से मैं अरेंज मैरिज कर लूं। योर ऑर्डर। यस जका एक सेकंड कॉफी तुम ना टेडी मुझे दे दो। कम से कम मेरे सोसाइटी के बच्चों का हक तो मत छीनो उनसे अब। अरे बट आई ऑलवेज वांटेड अ टेडी। मैं गर्ल स्कूल में थी ना तो वहां कोई टेडी देने वाला बंदा नहीं था। बट तुम्हारा बंदा तो था ना कॉलेज में। कॉलेज में कौन देता है टेडी बेयर? यहाँ मुझे देख लो कॉलेज खत्म हो गया फिर भी एक टेडी बेयर ना दे पा रहा। देख लो लाया तो तुम्हारे लिए था पर लेके जा पाओगे अमेरिका? होगी तुम्हारी लगेज में जगह? आधा किलो मूंग दाल निकालूंगी आराम से फिट हो जाएगा। सही है बेटे। तो फिर थोड़ी सी नमकीन और चमन प्राश निकाल के हमें भी ले चलो।
तुम्हें कैसे पता कि मैं च्यवनप्राश लेकर जा रही हूँ? अब हर रात को गेम के बीच में दो चम्मच च्यवनप्राश खाने के लिए उठती थी, तुम्हारी मम्मी की भी आवाज आती थी, कैसे पता नहीं चलेगा? अब पॉइंट पे और ये बताओ, लेके जा सकती हो तो जुगाड़ चलाऊं मैं अपने यूएस वीजा का? चलो, छुट्टी मिलेगी तुम्हें, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ को मिस नहीं करेंगे ऑफिस के लोग। अरे बड़े प्यार से मिल जाएगी। अच्छा हाँ, टीटू भैया को भी मिल गई थी जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए काठमांडू गए थे। सर, वो टीटू जी का कॉल आया था, वो कह रहे थे कॉल बैक करें। ठीक है, दोबारा आया तो उठाना ही मत। ओके सर। अरे कर लो ना टीटू भैया को कॉल, कुछ अर्जेंट होगा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। मेरा फोन। सॉरी। आपकी क्या प्रॉब्लम है टीटू भैया? ये डेट मेरी है आपकी, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? बेटा जब भी कोई लॉन्डर सरहद पे तैनात होता है, माँ को तो टेंशन होती है ना। कोई जरूरत नहीं है डरने की, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। सिचुएशन इतनी बुरी है? हाँ यार, बहुत बुरा लग रहा है उसका दिल तोड़ते हुए। पता कितना क्यूट है वो। ठीक ऐसा ही बोला था ना तूने, जब 10th क्लास में साहिल ने तेरे लिए गुलाबी आंखें गा दी थी, इसी वजह से कम नंबर आए थे बोर्ड्स में, याद है ना तुझे? इसीलिए कह रही हूँ पागल मत बन। पागल हो गए हो क्या टीटू भैया? फालतू में दोस्ती भी खराब करवाओगे। और ये वो वाली फीलिंग नहीं है, थोड़ी अलग है। बस काश वो अमेरिका ना जा रही होती। बेटा काश और ताश के चक्कर में ना बहुत लौंडे बर्बाद हुए हैं, और तेरी किस्मत तो कतई 2 रुपए वाले यूज एंड थ्रो पेन से लिखी हुई है, तो देख ले भाई। देख, तेरा कॉल है। वैसे मेरी मान तो उसको घर ले जा, लेटर बॉक्स में चाबी पड़ी है, और गर्मा गर्म कॉफी बना के पी ले। और सुन, लेफ्ट वाले ड्रॉर में कॉन्डम्स हैं, चॉकलेट फ्लेवर। तो क्या कहा टीटू भैया ने? कुछ नहीं, कह रहे थे कि कल वैलेंटाइन्स थीम लंच है ऑफिस में, तो कुछ पिंक या रेड पहन के जाना। पिंक शर्ट पहन लो ग्रे ट्राउजर्स के साथ, अच्छे लगोगे। कोई पॉइंट ही नहीं है, जितने में पिंक शर्ट आएगी उतने में मेरा नया डेटा पैक आ जाएगा, और मैं आराम से बैठ के खेलूंगा पबजी अकेले। पबजी में अपने देश का नाम रोशन करूंगा। इतना सीरियसली खेलोगे तुम? 2 मिनट में तो गेम ही भटक जाते हो। अब तक, अब से नहीं। वैसे तुमने सोचा है कि अगर पबजी ओलंपिक्स में जाता तो इंडिया का तो गोल्ड ही आता ना? पर उसका भी क्या फायदा, जब सेंसिटिव क्यूट स्मार्ट लड़कियां US चली जाएंगी तो अपना गोल्ड भी US ही जाएगा ना। अच्छा तो ताने मारे जाएंगे मुझे पबजी के नाम पे? हाँ, पता है इसके लिए कितनी मेहनत की है मैंने? मुझे ना लगता है कि ये GRE का पेपर ही बड़ा आसान सेट होने लग गया, तभी किसी का भी एडमिशन हो जाता है। नहीं तुम खेलो अपना GRE, हम खेलेंगे अपना पबजी। आया बड़ा। वैसे पबजी ने बहुत हेल्प करी है मेरी थ्रू आउट दिस प्रोसेस ऑफ GRE। मतलब इतने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए कितनी मेहनत लगती है पता है? और पैसे, बस इतने स्ट्रेस के बीच पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। हो जाऊंगी? ए सॉरी सॉरी। फिर एक दिन पबजी खेला, अच्छा लगा, रोज एक दो गेम खेलने लगी, फिर एक गेम में तुमसे टकरा गई। एक गेम से शुरू हुआ, फिर रोज प्लान बनने लगे। बेसिकली इतने स्ट्रेस में कुछ फन मिल गया करने को, रिलैक्स करने को। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि उस फन का क्रेडिट थोड़ा सा मुझे भी जाना चाहिए? सारा क्रेडिट तो पबजी को मत दो यार। हाँ जाना तो चाहिए, ये गेम ही था जिसमें हम टकरा सकते थे। ओ पता है, एक्चुअली हमें ना कोई चाहिए होता है जो हमें सुन सके, और तुम ना बहुत अच्छा सुनते हो गेम खेलने के वक्त भी। मेरी काफी बकवास टॉलरेट किया है तुमने। बकवास भी टॉलरेट कर रहा था और जिता भी रहा था। वो भी। एक लास्ट गेम हो जाए? हो जाए।
लास्ट किलर, तू लेना शॉट। वैसे तो मुझे पहले बता देती कि जीआरई की प्रेप कर रही हो, मैं थोड़ी हेल्प कर देता, इससे बेटर यूनिवर्सिटी तो दिला ही देता। रेंदे, एक टैक्स तो नहीं भरा जाता है तुझसे। हाँ तो पता कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जो कुछ मैंने तुझे सिखाया उसका क्या, ढंग से लैंड भी नहीं कर पाती तू पबजी में। हर बार मैंने लैंड कराया वो भी बिना 100-200 लिए। अपनी बंदूक खाली लिए घूम लो, पर तेरे यामे को कभी खाली नहीं रहने दिया मैंने। मिहिर वीराने को एक तक कपूर ने भी इतनी बार रिवाइव नहीं किया होगा जितनी बार मैंने तुझे रिवाइव किया इस गेम में, याद रखियो। हाँ हाँ याद रखूंगी। तो अब क्या गुरु दक्षिणा चाहिए तुझे? मैं बिल के पैसे आधे पेटीएम कर देना। ओके, कुछ नहीं देने वाली है मैं। अच्छा जी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि आपने मेरे पर यहाँ के। और नहीं तो क्या, ये टेडी बेयर पहले दिख जाता ना तो बाहर से ही लौट जाती। मारे तेरी किस्मत टेडी, कहाँ आधा घंटा पहले आर्चीज के किसी कोने में बैठ के धूल चाट रहा, और अब जनाब जाएंगे अमेरिका। शिल्पा तो चलो, ये थी हमारी पहली और आखिरी ऑकवर्ड डेट। और अब हम एक ऑकवर्ड हग करेंगे, फिर मैं गाड़ी में बैठूंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया। फिर रेडियो पे चैनल चेंज करूंगी, कहीं तो मेलनकली म्यूजिक बजता होगा। फिर 6 सिग्नल्स बाद में घर पहुंच जाऊंगी और 1 महीने बाद अमेरिका। शिल्पा, पोचिंकी मिल गई। पोचिंकी मिल गई? यस सीरियस? यस पोचिंकी मिल गई। यार मुझे उससे मिलना है यार। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ। हाँ एक काम करो, इसमें तुम अपना एड्रेस फीड करो। लो, कितने बेशरम हुआ, साफ शक्ल पे खुशी दिख रही है। तो होगी ना, चलो तुम भी देख लो कि कहां तुम्हारा ये शानदार पबजी प्लेयर पैदा हुआ था। ये रही लोकेशन। अरे ये लो, तुम्हारे घर से पहले तो मेरे दोस्त का घर आता है। And you know what? She's ordered for this really nice exotic coffee. पीनी है? Yeah, I love coffee. चलो फिर। आजा 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 आ आ। Sorry sorry sorry, I'm extremely sorry. Very very sorry यार। यार कब से वेट कर रहा हूँ, कितनी देर लगाती हो? तुमने कहा था 9 बजे, तो मैं इंडिया का समझ बैठी और यूएस का 9 बजे का अलार्म लगाना भूल गई। Wow, how irresponsible यार। अच्छा मैं रिस्पॉन्सिबल, और तुम जो बिना सोचे समझे मैदान में निकल पड़ते हो असॉल्व करने, उसका क्या? माय गॉड निखिल, तुम्हारा गेम ना बहुत खराब हो रहा है। अच्छा जी, तो मतलब हम आपके साथ खेलने के काबिल नहीं रहे। ठीक है, ढूंढ लो ऑटोमैच से कोई और निखिल और खेल लो पबजी। दो नई टैक्टिक क्या सीख ली है, आई बड़ी मुझे सिखाने। यार अब ड्रामे मत स्टार्ट करो, प्लीज गेम स्टार्ट करो। पहले सॉरी बोलो। कहा ना सॉरी, अरे प्यार से बोलो। अरे निखिल, I'm sorry, बाबू, शोना, पूछू, I love you. और कुछ? नहीं, बहुत था। अब गेम स्टार्ट करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं? उसी के लिए तो आए हैं।